नमस्कार मित्रों, देखिए जहां तक आरक्षण का बात है, जो आज देश में ये क्यों खत्म होना चाहिए, इससे देश को आज तक क्या हानि हुआ है, कितने लोग इसके चलते बर्बाद हुए हैं, कितनी प्रतिभाएं खत्म कर दी गई है, ये सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी तमाम वक्तव्यों से आप जान चुके हैं। मैं दोबारा इन बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ। जहां तक 10 तारीख के बंद का आह्वान है, इसका समर्थन करता हूँ और मैं अपील करता हूँ ओबीसी प्लस जनरल कास्ट के उन युवा विद्यार्थियों से कि आपके ये भविष्य तय करने वाला एक फैसला है, एक ऐतिहासिक ये आंदोलन है, इसमें आप शरीक होके भाग लें और अपना शक्ति प्रदर्शन करें, लेकिन शांति प्रिय ढंग से, किसी भी सरकारी संपत्ति को, किसी के जान माल को कोई हानि न पहुंचे। और जहां तक आरक्षण पद्धति की बात है, तो ये तो मैं आज भी कायम हूँ, मुझे यूट्यूब पर लगातार गालियां सुनने को मिल रही है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं ये छाती ठोक कर कहूंगा कि इसको खत्म करना चाहिए, इससे उन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों को के मनोबल को डाउन करने का काम, उनके उनके पैरों में जंजीर बांधने का काम ये किया जा रहा है। ये कैसी व्यवस्था है भाई? अरे ठीक है, कोई दबला है, कुचला है, उसके पास पैसा नहीं है, तो आप सरकार ऐसी नीति लाए कि उनको सिर्फ पढ़ा दे उस पैसे से, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था कीजिए। प्रतियोगिता में कैसा आरक्षण? जो मेहनत करेगा उसको नौकरी मिले? आप घोड़ा और गधा का रेस कराएंगे और घोड़े के पैर में जंजीर लगा देंगे और गधा को चना खिलाएंगे और कहेंगे अब रेस लगाओ, तो क्या गधा कभी घोड़ा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आप किसी के प्रतिभा का आप हनन करते हैं, उसके प्रतिभा का गला घोट देते हैं, ये लोकतंत्र का हनन है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और मैं पुनः एक बार विनम्र निवेदन करता हूँ ओबीसी प्लस उन जनरल कास्ट के युवाओं से कि आप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, शक्ति प्रदर्शन करें शांति प्रिय ढंग से, और जब यह आर्थिक आधार पर जब आरक्षण का प्रावधान होगा हमारे संविधान में, हमारे कानून में, तो निश्चित तौर पर उन ST ST वर्ग के भी, वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको भी लाभ होगा, ओबीसी वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको भी लाभ होगा, और जनरल वर्ग में भी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी लाभ होगा, सारा सर्व समाज का लाभ होगा इसमें, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हम लोग का एक नारा है वो होगा। ठीक है, कुछ भीमटेक सैनिकों ने, जय भीम वालों ने विरोध किया, उनका विरोध स्वाभाविक था, ऐसा लग रहा होगा उनको कि गलत हो रहा है, तो विरोध एक दायरे में रह के करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने देश की अस्मिता पर हमला किया है, हमारे सनातन धर्म पे हमला किया है, हनुमान जी के फोटो पे थूका गया है, जूता चलाया गया है, ये बताइए ये कोई विरोध था क्या? इसका क्या औचित्य था? ये कहते कि हम मनुवादी है, कैसे मनुवादी है? हमारे यहाँ जब कोई भी शादी ब्याह होता है तो बिना हरजन का वो लगन चालू नहीं होता है, बिना कुम्हार के यहाँ से मिट्टी का बर्तन आए कोई काम नहीं होता है, सारे समाज को जोड़ के रखने के का जो एक सूत्र है वो सनातन धर्म में है और ये सबसे प्राचीन धर्म है, सर्वोपरि धर्म है, हम इसका सम्मान करते हैं। जिनको जो कुछ कहना है कहे, हम इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम इसका इस तरह के आरक्षण पद्धति का बिल्कुल विरोध करते हैं। जातिगत आरक्षण न होके आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद। कोई बात नहीं। बाजार में सब्जी